So, hello, assalamu alaikum, namaste, sisri kaal, kamchu, kiro, alaika, second. Welcome back to the new vlog. So, abhi hum ho chuke hain ready. Ab hum jayenge bahar. Abhi ek do dost log aa rahe hain aur unka aisa kehna hai ki kuch video shoot karna hai unko Instagram ke liye unke. To isiliye jayenge Instagram ke liye. Unke saath jaate hain aur thodi bahut hui to hum bhi bana lete hain. अगर जमी तो, क्योंकि अपने तो एक्टिंग इतनी खास जमती नहीं है, तो अभी देखते हैं, फिर चलते हैं वहाँ पर ज़रा वॉशिंग कराएंगे RC 200 की अपनी, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वॉशिंग ज़रूरी थी गाड़ी को, अभी उसको वॉश कराएंगे और चलते हैं हम आगे। फिर वॉशिंग हो बाद गाड़ी में एक अलग सी चमक आ जाती है, देखिए, और कोई बोल नहीं पाएगा कि ये 6 साल पुरानी गाड़ी है। लिटरली 2016 में लिया था मैं जैन में, और अब तक गाड़ी वेल कंडीशन में है और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। और देखिए 34,000 ड्रिवन है गाड़ी अब तक, और गाड़ी का सब चीज़ जेन्युइन है, एक भी चीज़ आगे पीछे बोलो, जो भी कंपनी से जब बिल्डअप होकर आती है गाड़ी, बस वही पार्ट्स हैं, जेन्युइन पार्ट्स हैं, कोई चेंज नहीं है गाड़ी के अंदर, ना रैपिंग की गई है ना नथिंग। अब ये देखो यहाँ पर हमारे शेख खान ने रुका है बादाम शेक पीने के लिए, अब बादाम शेक पियेंगे और जल्दी से भागेंगे। ये आ गया हमारा बादाम शेक, ये हमारे खान, ये गाड़ी अब पीते हैं और वो लोग वेट कर रहे हैं, वहाँ पर चलते हैं लोकेशन पे। और ये है लोकेशन नियर सूबेदारी गेस्ट हाउस, और ये बहुत देर से हमारा वेट कर रहे थे। बॉस हो गई ये शूट कम्प्लीट, और इसी के साथ अजीम भाई के तो हो गए वीडियोज़ बनाना, और हमने भी सिर्फ दही बनाए क्योंकि सनलाइट एक्चुअल में हो गया है बहुत लो और उससे एक्सपोजर फट जा रहा है वीडियो का, तो वीडियो में मज़ा नहीं आ रही है और फेस भी बहुत ज़्यादा ही डल नज़र आ रहा है, इस वजह से अभी हम नहीं कर रहे। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं कहीं और लीडर क्या बोलते फिर क्या चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में भाई, हम वीडियो में बहुत दूंगे हम एक बात से तुम अग्री करेंगे, जो जल्दी पहुंचता है उसकी खतर नहीं होती और जो लेट पहुंचता है उसकी इज्जत ज़्यादा होती है। अरे भाई मैं आपका वेट कर रहा था इतनी देर से, क्यों अरे जल्दी आए, ये जल्दी आया इसकी क्या टेंशन लेने का, ऐसा है तो भाई हम ऐसा नहीं करते यार। अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहा, अरे भाई तुम्हारी बात नहीं कर, एक जनरल बात बता रहे, इसके लिए कहीं भी जाओ ऑन टाइम जल्दी मत पहुँचो, थोड़ा लेट पहुँचो तो रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगी। ये लग गया हमारा सुबह का खाना, ये सब यहाँ पर सेट राइट है, आप चालू करते हैं, बिस्मिल्लाह आयला बरकतिल्लाह, खाना खाते हैं, मिलते हैं ये पराठे के साथ। हाँ खा के अब निकलते हैं, हम नीचे जाते हैं, और आज दिल बोल रहा है कि पतंग उड़ाया जाए, बहुत दिनों में पतंग नहीं उड़ाया क्योंकि अभी पतंग का भी सीजन स्टार्ट हो गया, तो अभी चलते हैं पतंग लेकर आते हैं और पतंग उड़ाते हैं आज, क्योंकि आज संडे भी है और टाइम भी है अपने पास, तो पतंग उड़ाएंगे। ये आगे क्रॉक्स, आगे नीचे, अरे 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 ये पेन है, तो चलो चलते हैं। तो वह ये फाइनली ला ली हमने पतंग वगैरह, लेकिन अब सीन ऐसा है कि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो अब एक हाथ पतंग उड़ाएंगे तो उड़ाएंगे, और हवा भी नहीं है आज, आज हवा भी इतनी नहीं है, उल्टा हो गया, कन्या कन्या बांधेंगे ना इससे, बिना हवा के पतंग उड़ा दी है हमने, क्यों सदैव? हाँ हाथ दुख रहा, क्यों हाथ बहुत दुख रहा है, ये काफी एक साल के गैप के बाद से पतंग उड़ा रहे, तो इसलिए से थोड़ा हाथ दुख रहा, आप पतंग को हवा लग गई, लगी हवा वैसे पतंग उड़ता रहना पड़ रहा है, और अब जब हो दिन खत्म तो अब हवा आ रही है, ये देखो कैसी बेहतरीन हवा आ रही है, अरे पतंग भी देखो और ये पतंग हमने उतार लिए नीचे, अब रखते हैं इसको और चलते नीचे, क्योंकि बिल्कुल भी आज हवा नहीं होने के कारण इस वजह से सब पतंग नीचे उतर गए, और उस वजह से फिर मज़ा नहीं आता, तो कल आएंगे, कल थोड़ी देर उड़ाएंगे फिर जाएंगे, अभी चलते हैं नीचे, टाइम भी हो रहा है, अजान भी हो रही है।
मिलते हैं थोड़ी देर से हम। चले हसन बड़ी बात चली बता तेरे कर्ज बता चली बता हवन बता ये हसन तेरी बता ना बता चल चल मामा जल्दी बता ये पार्टी से आते हो जाते हैं लेट इसलिए इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दैट अपना ख्याल रखे अपनी फैमिली का ख्याल रखे और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दैट अल्लाह हाफिज मासलामा गुड बाय टेक केयर सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय।